खड़ा है, मैं इसी के साथ हमारी बहुत बहुत सारे परिवार जो हमारी बहनें थी जो वहां अत्याचार वो सह रही थी, आतंकवाद पनप रहा था वहां। मैनिफेस्टो बनाया कैसे, उसका कैसे जवाब देंगे? देखिए कांग्रेस ने जो बनाया है, कांग्रेस की सरकार तो आजादी के बाद लगातार ही कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में। कभी सुना है कि महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में कुछ उन्होंने खास किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है या योजनाओं से कुछ महिलाओं को लाभ पहुंचा है या जमीन पर कभी उनकी योजनाओं से लाभ पहुंचा है महिलाओं के लिए? तो उन्हें पता है प्रदेश में है तो उनका कुछ नहीं, वो कुछ भी बोलती है मैनिफेस्टो में, कुछ भी बोलती नहीं कि हवाई जहाज दूंगी तो उसका क्या, उन्हें पता है कि सरकार तो आनी नहीं है, सरकार तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आ रही है, उनको दिखाई दे रहा है, वो सब समझ रही है इसलिए बौखला रही है, वो कुछ का कुछ बोल रही है। शादी की उम्र लड़कियों की ऐसे में तमाम ऐसे अभिभावक हैं, उनका कहना है कि उनको ज्यादा भार बढ़ गया। देखिए ऐसा है, मैंने अभी मंच से भी कहा कि महिलाओं के लिए हमेशा जो है प्रदेश सरकार हो, हमारी केंद्र सरकार हो, हमारे मोदी जी हो या योगी जी, हमेशा बहनों को सम्मान देते हैं। हम सब जो बहनें हम समझते हैं और सब हम बहन बेटी वाले हैं समझते हैं। 18 साल में बहन की जो पढ़ाई अधूरी रह जाती है, जरूरी नहीं है ससुराल वाले आके उसको सब पढ़ाते, उसको पढ़ाते, वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके भी कुछ अरमान होते हैं। और 18 साल की बहन होती क्या है बच्ची, तो इसीलिए 21 के लिए उसकी कि 21 साल तक वो कम से कम वो सक्षम हो सकेगी, अपना बुरा भला समझ सकेगी, उनको क्या आपत्ति है? वो बोलते हैं कि 21 साल की अगर हो जाएगी तो ये बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी भाई, कैसा कैसे बोल रहे हो? या सपा के जो विधायक ने बोला, ये कोई ऐसा बोलने की बात? ऐसे लोगों को सरकार में आने का अधिकार है जो बहनों का अपमान करे? अपनी इनकी जो सरकार रही सपा की, इसी तरह धरने के फैलाते रहे, इसी तरह से ये बोलते रहे बहनों का अपमान करते रहे। ये बहनों के मान सम्मान के लिए कभी इन्होंने कोई बात करी नहीं, कोई काम करा नहीं। अगर हमारे योगी सरकार कर दिया तो इनको दुख होना, इनको दर्द होना।